हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, और आज जो हमारे टॉपिक है अल्मोनियम का भी एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, और आज हमारी अंतिम एक्सट्रैक्शन है, डिस्कशन है, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन का एस्क से डिस्कशन। हम लोग आज उसी पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी टॉपिक लंबी होगी तो आप लोग पेशेंस रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लिखाएंगे। हमारे पास हेडिंग होगी आज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन का, लोहा का इसके अयस्क से निष्कर्षण। आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो पहले जानना पड़ेगा उसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ओर है, जैसे कि हम लोग और सब में करते आए हुए हैं, तो कौन कौन इसके इम्पॉर्टेंट ओर है वो जानना पड़ेगा आपको। इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन, कम से कम आपको 3 लिखना चाहिए। आपके पास हेमेटाइट, हेमेटाइट केमिकल फार्मूला, Fe2O3, मैग्नेटाइट केमिकल फार्मूला, Fe3O4, सिडेराइट, FeCO3, फेरस कार्बोनेट को हम लोग सिडेराइट और कहते हैं, आयरन फ्लोराइड भी लिख सकते हो, आयरन पायराइट FeH2, कॉपर पायराइट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि कॉपर पायराइट कॉपर और आयरन दोनों की क्या है और होते हैं, कॉपर पायराइट CuFeH2 है ना। कम से कम तो आप 3 ओर्स जरूर लिखें, ये सारे इम्पॉर्टेंट ओर्स हैं, और के इम्पॉर्टेंट ओर्स हैं आयरन के। इन जितने भी आपके पास इम्पॉर्टेंट ओर हैं उनमें से सबसे अधिक जो जो जनरली हम लोग जनरली कह सकते हैं और अधिक भी कह सकते हैं, जो आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो कौन से हैं बाबू, हेमेटाइट ओर से। हेमेटाइट ओर से जनरली आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज डन मैनली, कहाँ से बाबू, फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट और इन फॉलोइंग स्टेप्स हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चों, मुख्यतः आयरन का एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण कौन सी ओर से बाबू, हेमेटाइट ओर से, निम्नलिखित
निम्नलिखित पदों में किया जाता है ना, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इन्वॉल्विंग स्टेप्स होंगे वो आपको जानना पड़ेगा। तो ऑक्साइड ओर है, ख्याल करो मैंने कभी कहा बताया था कंसंट्रेशन में कि जो हैवी मेटल्स के ऑक्साइड ओर होते हैं, जैसे टिन के हुआ, लेड का हुआ, कुछ आयरन के भी ऑक्साइड होते हैं, तो सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन करेंगे हम लोग, तो इन सब ऑक्साइड के ओर का कंसंट्रेशन हम लोग ग्रेविटी सप्रेशन से करते थे, है ना। ग्रेविटी सप्रेशन में क्या करते थे, उसका हम लोग जिसको हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते थे, क्रश करेंगे ओर को या पाउडर करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं उसको वाटर के साथ वॉश करते हैं। वॉश करने से क्या होगा, जो उसमें इम्प्योरिटीज क्ले होगा वो बाहर हो जाएगी। तो स्टेप जो पहला हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन, पहला स्टेप बाबू कंसंट्रेशन होगा, सांद्रण जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट वो कौन सा है, कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में सांद्रण के नाम से जानते हैं। लिखो कैसे करेंगे, ओर को क्रश्ड करेंगे और वाटर के साथ वॉश करेंगे, है ना, क्रश्ड, क्रश्ड ओर इज वॉश्ड विथ वाटर, वाटर के साथ वॉश करेंगे विथ वाटर, ड्यू टू विच क्या निकलेगा बाबू, क्ले इम्प्योरिटीज, क्ले इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड, है ना, चूंकि ऑक्साइड ओर है हेमेटाइट, तो इसका हम लोग ग्रेविटी सप्रेशन से करते हैं, और ग्रेविटी सप्रेशन क्या करते हैं, पाउडर ओर को वॉश करते हैं, वही तो यहाँ भी कर रहा हूँ ना, वॉश कर रहा हूँ, और वॉश करने से क्या होगा, उसकी जो क्ले है जिसको हम लोग क्ले मतलब रेत, क्ले क्या होगा वो हट जाएंगे। तो हिंदी वाले बच्चों आप लोग तेज लिखोगे, चूर्णित अयस्क को चूर्णित अयस्क को वाटर के साथ वॉश करेंगे, धोएंगे, वॉश किया जाता है, जिसके कारण क्या बाहर निकलेगा बाबू, जिसके कारण क्ले, क्ले मतलब रेत, एक प्रकार से मिट्टी कहो, जिसके कारण क्ले बाहर निकल जाती है, नहीं क्या बाहर निकल जाती है। ओके बच्चों, अब जब आपने कंसंट्रेशन कर लिया तो उससे जो कुछ इम्प्योरिटी बाहर निकल गई, अब दूसरा स्टेप कौन सा होंगे बाबू, या तो उसका कैल्सिनेशन करें या तो हम लोग रोस्टिंग करें। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग करेंगे, और वो कहाँ होता है, रिवर वर्टी फर्नेस में होती है, स्टेप टू। और ये भी सही बात है, कैल्सिनेशन जनरली कार्बोनेट ओर का किया जाता है, बट ये कार्बोनेट ओर नहीं थे, रोस्टिंग जनरली सल्फाइड ओर का किया जाता है, लेकिन ये सल्फाइड ओर नहीं है, बट कैल्सिनेशन फिर भी हम लोग इसका कैल्सिनेशन भी करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। पर्पस क्या होगा, कैल्सिनेशन करने का बस एक ही पर्पस होगा, जिसमें कुछ मॉइस्चर होंगे वो बाहर निकल जाएगा, और रोस्टिंग करने का पर्पस होगा जो उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट के जो इम्प्योरिटीज होगा वो बाहर निकल जाएंगे वेपर के फॉर्म में। मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगा आपको। स्टेप टू कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जिसको आप हिंदी में निस्तापन बोलते हो, या रोस्टिंग, ओके।
कंसंट्रेटेड ओर का कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड ओर का कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ड्यू टू कैल्सिनेशन, ड्यू टू ऐसा लिखते हैं ना, रहने दो अच्छा रहेगा। ड्यू टू कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन किसका कैल्सिनेशन करोगे बाबू, ये जो कंसंट्रेटेड ओर है उसी करोगे ना। ड्यू टू कैल्सिनेशन मॉइस्चर इज रिमूव्ड, कैल्सिनेशन के कारण मैं दिखाऊंगा अभी रिएक्शन में, कैल्सिनेशन के कारण नमी बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है ना। नमी किस रूप में निकलेंगे, वेपर के रूप में निकलेंगे, जैसे Fe2O3 कुछ इसमें मॉइस्चर है, ओके मॉइस्चर है इसमें क्योंकि आप वाश कर रहे हो वाटर के साथ ये ग्रेविटी सेपरेशन में, और इसमें कुछ वाटर है। सपोज इट इसमें X मॉलिक्यूल क्या है बाबू, वाटर है, X मॉलिक्यूल इसमें वाटर है, कैल्सिनेशन करोगे। कैल्सिनेशन कहाँ पर है, वर्टी फर्नेस में, तो क्या होंगे ये जो गर्म करने पर ये जो आपके पास Fe2O3 तो मिल गया, लेकिन जो वाटर हैं X जितने मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, गैस बन के बाहर निकल जाएगा, वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, मतलब जो भी इसमें इम्प्योरिटीज थी वो कैल्सिनेशन करने के कारण क्या हो गया, बाहर निकल गया। रोस्टिंग भी करेंगे, रोस्टिंग करने का एडवांटेज होगा जो भी उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट का इम्प्योरिटीज होगा वो वेपर, वो भी वेपर बन के क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी के नीचे आप लोग लिखोगे, यहाँ पे लिखना बाबू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ड्यू टू रोस्टिंग इनऑर्गेनिक, ऐसा लिखो ना, non-metallic element has impurities are removed, किस रूप में बाबू, as vapor, वेपर के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अगर उसमें इनऑर्गेनिक नॉन मेटल की इम्प्योरिटीज हैं, एलिमेंट की इम्प्योरिटीज हैं, तो वेपर बन के क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो हिंदी वाले बच्चों आप लोग थोड़ा तेज लिख लोगे बाबू इसे, रोस्टिंग के कारण, रोस्टिंग मतलब भर्जन, रोस्टिंग मतलब भर्जन या जारन, रोस्टिंग के कारण नॉन मेटालिक एलिमेंट मतलब अधातु, नॉन मेटालिक एलिमेंट इसको अधातु बोलते हो, नॉन मेटालिक एलिमेंट की अशुद्धियां किस रूप में निकलेगा बाबू, वेपर, वेपर मतलब वाष्प, वेपर बनकर बाहर निकल जाती है, निकल जाती है ना, बाहर निकल जाती है। चलो मैं इसे भी रिएक्शन में रिएक्शन का रूप दे दूं, हमने कैल्सिनेशन कर लिया, इससे क्या हो गया, मॉइस्चर बाहर निकल गई, जो उसमें जो रोस्टिंग करने से क्या होगा, मान लिया कि फास्फोरस उसमें क्या है, नॉन मेटालिक एलिमेंट इम्पोर्टेंस पड़ा हुआ है, फास्फोरस टेट्राटॉमिक होती है, रोस्टिंग करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, गर्म करेंगे रिएक्टिव फर्नेस में तो ये P4O10 बनकर बाहर निकल जाएगा, गैस बन के बाहर निकल जाएंगे उससे, है ना। तो रिएक्शन की बात है तो बैलेंस कर दो, जो सल्फर है ऑक्टाइटोमुक होती है, अगर बाबू इसे ये मिल रही है तो इससे रिएक्टिव फर्नेस में अगर गर्म होगी तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, है ना। 8 है,
तो मैंने 8 से कर दिया, आपके पास 8 है क्योंकि सल्फर ऑक्टाइट में। जैसे मान लिया जाए सिलिकन है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक है ना, कार्बन सिलिकन जर्मनियम, ये आपके पे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक नाइट्रोजन ग्रुप के मेंबर हैं, इसके बैलेंसी 5 होंगे। अगर ये इम्प्योरिटीज के रूप में, चूंकि इसकी बैलेंसी 5 है, रिवर्टिव फर्नेस में गर्म करोगे तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, AS2O5। चलो बैलेंस कर दिया मैंने 5, नहीं बाबू ऐसा करने से ऐसा होगा, चूँकि मैंने इसको इवन नंबर बना लिया, 5 9 10, तो आपके पास 4 हैं और ये आपके पास 10 है, कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी नॉन एलिमेंट नॉन मेटालिक एलिमेंट हैं वो इम्प्योरिटीज के रूप में क्या होगा, जो पड़ा हुआ था इम्प्योरिटीज के रूप में, वो गैस बन के बाहर निकल जाएंगे। कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग भी हो गई। अब अगला स्टेप क्या होता है, हमको मेटल की प्राप्ति करनी है, और मेटल जो हम लोग प्राप्त करते हैं, मैं कई बार बता चुका आपको बच्चों कि मेटल का जो हम लोग प्राप्ति करते हैं वो रिडक्शन के कारण होता है, मेटल के ऑक्साइड से रिडक्शन कारण होती है, जहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके लिए आपको आपको कहाँ गुजरना पड़ेगा, स्मेल्टिंग में जाना पड़ेगा। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर मेटल का रिडक्शन मेटल ऑक्साइड में होती है, और वहाँ पर कुछ सुटेबल एजेंट की आवश्यकता है, कुछ सुटेबल ये रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। वहाँ ये मैंने बताया था कि या तो फिर स्मेल्टिंग इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि अगर ओर में इम्प्योरिटीज है तो उसको हटाने के लिए जो सिलिका का, उसको हटाने के लिए हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, स्मेल्टिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी रिडक्शन ही होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा स्टेप है, स्मेल्टिंग। और वो स्मेल्टिंग की प्रोसेस कहाँ होती है, देखो आपके सामने में फिगर पड़ा हुआ है, ब्लास्ट फर्नेस का फिगर है, उसी ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, स्मेल्टिंग किया जाता है। मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं है। स्टेप थर्ड इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, शायद स्मेल्टिंग हिंदी कन्फ्यूज कर रहे हैं, स्मेल्टिंग प्रगलन, स्मेल्टिंग प्रगलन इसको बोलेंगे हम बाबू, क्या बोलते हैं प्रगलन, थोड़ा संभालना हिंदी की इस्तेमाल कम ही करो तो अच्छा है। ये कहाँ किया जाता है, बस मैं बोल दूँ अभी, स्मेल्टिंग की प्रोसेस जो किया जाता है ना, और ये ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। अब ब्लास्ट फर्नेस आपका यहाँ फिगर बना हुआ है, मैं आपको बताऊँगा, घबराने की बात नहीं है। ये जो आपके पास है ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस, इसको हम लोग हिंदी में वातिया भट्टी कहते हैं, वातिया भट्टी है ना। एक और देखा था हमने रिवर्टिव फर्नेस, स्मेल्टिंग है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, किसका बाबू, मेटल ऑक्साइड किसमें, इनटू मेटल। और यहाँ पर एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होगी, इनटू मेटल इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और एक कौन कौन से सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है वो हम लोग एक एलिंगन डायग्राम में देखेंगे। जैसे कि जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस करने के लिए आपको कोक की आवश्यकता पड़ी थी, एक सुटेबल एजेंट की आवश्यकता पड़ी थी, वैसे यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस करने के लिए आपको सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेंगे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे। डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, वो कैसे होती है वो हम लोग एलिंगम डायग्राम में पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। देखो बाबू,
तो मैंने ये जो लिखा, हिंदी वाले बच्चों आप लोग लिख लोगे तेजी से बाबू, इसको तेजी लिखोगे, यह वह प्रक्रिया या वह प्रक्रिया है, ऐसा करो, मेटल ऑक्साइड को किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अवकारक है ना, किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के उपस्थिति में मेटल में बदलेगा बाबू, मेटल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहा जाता है। मैंने लिखा कि मेटल का कोई ऑक्साइड है, उस मेटल के ऑक्साइड को मेटल में बदलने की जो प्रोसेस होती है ना, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग की प्रोसेस कहाँ पर किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड है ना, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, बहुत सारे आयरन का ऑक्साइड होगा, Fe2O भी आयरन का ऑक्साइड है, Fe3O4 भी आयरन का ऑक्साइड है, सब तो आयरन का ऑक्साइड है ना। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कैरिड आउट इन ब्लास्ट कहाँ पर क्या जाता है बाबू, ब्लास्ट फर्नेस में क्या जाता है। देखो आपके पास ब्लास्ट फर्नेस का पिक्चर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। ब्लास्ट फर्नेस एक सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सिलेंडर की तरह बना होता है, जो जिसकी की जो वाल होती है ना, देखो ये सिलेंडर की तरह बहुत लंबी होती है, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसका जो बाहरी वाल है, ये जो वाल है स्टील के बने होते हैं, स्टील मतलब लोहा के बने होते हैं, और अंदर के जो स्टील के वाल जब बनेंगे तो अंदर के जो वाल होते हैं बाबू, अंदर के वाल जो हैं, दीवार जो हैं, वो फायर ब्रिक्स से बने होते हैं, स्पेशल प्रकार के ब्रिक होते हैं, ईंट होते हैं, उसी से अंदर के वाल बने होते हैं। क्यों बना होता है, क्योंकि बहुत अंदर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है, जैसे आपको दिखाया गया यहाँ पे, टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की पावर होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, इसलिए इसकी जो वाल है वो मजबूत होनी चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे, यह जो ऊपर से ओर को गिराने के साधन है, ये आपको जो एक रास्ता दिया गया है, इस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निष्कासन हो सकता है। लिखा हुआ है एग्जॉस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का निष्कासन दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखो, उसी के ठीक नीचे में ये दोनों तरफ दिया गया है, ब्लास्ट ऑफ एयर मतलब हवा जाने का रास्ता है, हवा का झोंका जाने का रास्ता है दोनों तरफ से, और ठीक उसी के नीचे फिर आ जाओ यहाँ पे, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ये जो आपके पास स्लैग है और ये पिघला हुआ आयरन है, IRON, पिघला हुआ आयरन है बाबू, तो आयरन से हल्की होंगे स्लैग, उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और स्लैग को निकलने का रास्ता है, और ये मोल्टेन आयरन को, कच्चा लोहा को निकलने का रास्ता है, है ना। आप इसमें देख रहे होंगे कि अलग जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टेम्परेचर है। कैसे, मैं बताऊंगा क्या किया जाता है। आपने जो कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर जो लिया, उस ओर को कोक के साथ एवं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर इसके अपर वाला भाग में ऊपर में क्या किया, यहाँ डाला जाता है। देखो लिखा हुआ है Fe2O3 है ना, कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर था, उसको कोक के साथ मिलाया और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाया। क्यों मिलाया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, मैं भी बताऊंगा किस अनुपात में, इसका 8 भाग, इसका 4 भाग, इसका 1 भाग, दैट मीन्स 8:4:1 में मिला कर क्या करते हैं, इस ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है।
जब ब्लास्ट फर्नेस में डालोगे तो कोक यहाँ से गिरेंगे और कोक को जलने, इस ब्लास्ट फर्नेस में ये जलती है और जलने के हवा चाहिए। जब इधर से गिरेंगे, देखो ब्लास्ट ऑफ एयर हवा की झोंका जा रही है, यहाँ पर कोक क्या करेंगे जलना शुरू कर देगा और जहाँ पर जलेंगे वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखो इस एरिया में टेम्परेचर 2170 केल्विन है ना, क्योंकि यहाँ पे दहन की क्रिया होगी, कम्बसन की क्रिया होंगे। क्यों? क्योंकि कोक इस आयरन के ऑक्साइड और कोक जो कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, प्योर फॉर्म है, कोक के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर जब गिराओगे, कोक जब इस रास्ते से यहाँ पर गिरेंगे, इसके पेंदी के पास, बॉटम के पास क्या होगा, हवा की झोंका प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर के साथ जलेंगे, है ना। और जब जलेंगे तो फिर जैसे जैसे भट्टी से आप ऊपर जाओगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट तो मूव करती है ना। जब यहाँ पे जलेंगे ये, बस मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ, कार्बन कोक जलेगा और जलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और बहुत ही अधिक मात्रा में, लगभग 393.5 इतना किलो कैलोरी लगभग एनर्जी बाहर निकलती है, इतना किलो जूल लगभग एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी का बाहर निकलना मतलब ये एक जो थर्मिक प्रोसेस हो गया, उसमें श्वसी प्रक्रिया होंगे। तो कार्बन जब यहाँ पर जलेंगे तो एनर्जी बहुत निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब निकलेंगे हल्की होने के कारण, और उसमें भी जो होंगे वो क्या होगा, सारे के सारे ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। जब ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। उस जैसे जैसे ऊपर जाते चलोगे डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट जोन्स में क्या होंगे, इसका टेम्परेचर घटते जाएंगे और सबसे कम कहाँ पर होगा, सबसे ऊपर में टेम्परेचर कम होगा, है ना। तो हम लोग स्मेल्टिंग कैसे करें, स्मेल्टिंग ये तो क्लियर हो गया। स्मेल्टिंग की प्रोसेस कहाँ किया जाता है, वो ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है, जहाँ पर कि मेटल, जहाँ पर कि आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन होगा और किसे बदलेगा, कार्बन और आयरन मिलने, सॉरी जहाँ पर आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन किसी में आयरन में होंगे। और इस ब्लास्ट फर्नेस में याद रखना कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है वो कौन काम करता है, वो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। कैसे करती है मैं सबको आपको रिएक्शन में दिखा दूंगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा फिर समझेंगे, इस ब्लास्ट फर्नेस तीन रीजन में रिएक्शन होती है। सबसे नीचे जहाँ पर कंबसन होता, दहन की क्रिया होती है, उसके बाद सबसे ऊपर जहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है, और बीच वाले जो रीजन है यहाँ पे, यहाँ पर क्या होती है, स्लैग फॉर्मेशन होता, स्लैग बनती है और स्लैग बनेंगे इधर से बन के बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो लिखा हूँ, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस में होगी, वेयर आयरन ऑक्साइड इज कन्वर्टेड किसमें बाबू, इनटू आयरन इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना कि इस ब्लास्ट फर्नेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसा इसमें थोड़ा सेंटेंस और सुधार कर दूँ, इट्स कन्वर्टेड टू आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे एसेंशियल होंगे, है ना। चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बाबू, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग लिख लेंगे हिंदी में, लिखेंगे आयरन ऑक्साइड का स्मेल्टिंग मतलब प्रगलन कहाँ पर होती है, ब्लास्ट फर्नेस में होती है
जहां पर क्या होंगे बाबू, जहां आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड, जहां आयरन ऑक्साइड को मदना आवश्यक या फिर महत्वपूर्ण लिखो, महत्वपूर्ण कार्बन मोनोऑक्साइड अवकारक, अवकारक बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, जहां आयरन ऑक्साइड महत्वपूर्ण कार्बन मोनोऑक्साइड अवकारक के उपस्थिति में, उपस्थिति में किसमें बदलेगी बाबू, आयरन में बदलती है। कैसे करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैसे करेंगे बाबू, फेरस आयरन के ऑक्साइड को कोक के साथ मिलाएंगे, कौन सा आयरन ऑक्साइड, या तो कैल्सिनेटेड हो या तो फिर रोस्टेड हो, उसको कोक के साथ मिलाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे और 8:3:4:1 में मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में क्या करेंगे, अपर वाला रीजन में डालेंगे, है ना। कैल्सिनेटेड, कैल्सिनेटेड आप रोस्टेड भी लिख सकते हो, कैल्सिनेटेड आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बोले तो Fe2O3 इज मिक्स्ड विद, मिक्स्ड विद कोक एंड लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं, एंड लाइमस्टोन इन 8:4:1 है ना, एंड फेड इनटू कहाँ बाबू, डालेंगे हम लोग अपर पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, और ब्लास्ट फर्नेस के अपर पार्ट में डाला जाएगा, ठीक है। इन ब्लास्ट फर्नेस इन डिफरेंट इन डिफरेंट जोन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन शॉर्ट में रिएक्शन को लिखा हूं, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा हूं, इन डिफरेंट जोन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रकार से होती है। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों तेज लिखोगे, कैल्सिनेटेड कैल्सिनेटेड ओर को किसके साथ बाबू, कोक एवं चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर के साथ 8:4:1 में मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस के कहाँ बाबू, ऊपरी भाग में डाला जाता है। ओके, ब्लास्ट फर्नेस में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया होती है। ओके बाबू, देखो बाबू थोड़ी सी अब क्या करना, आप ठीक इसी के बगल में या तो नीचे में क्या कर, इस फोटो को बना लेना। फोटो में तो तीन रीजन हम उसको बांटेंगे। एक यहाँ पे जो सबसे बॉटम रीजन है, जहाँ पर जोन ऑफ कंबसन है, बॉटम है ना, जहाँ पर कंबसन क्रिया होती है, तो बोलेंगे जोन ऑफ कंबसन, जोन ऑफ कंबसन दहन क्षेत्र, जोन ऑफ, यहाँ पर दहन की क्रिया होगी, जोन ऑफ कंबशन है ना, दहन की क्रिया होंगे। जो सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होती है, अपर पॉर, अपर जोन, क्या होती है बाबू यहाँ पे, ये जो अपर जोन है इसको जोन ऑफ रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस जोन में भी रिडक्शन होती है। मिडिल जो एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, स्लैक अप फॉर्मेशन कैसे होगी मैं बताऊंगा। मिडिल जो जोन है बाबू, और इस जोन का नाम है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन या फिर क्या बनेंगे, स्लैग का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जोन ऑफ कंबसन में चलूं। पहला जो है बाबू जोन ऑफ कंबसन है, जोन ऑफ कंबसन दहन क्षेत्र, दहन क्षेत्र। ओके, बॉटम पर क्या होगा बाबू, जैसे कोक आएंगे और ब्लास्ट ऑफ हवा की झोंके के प्रजेस में जलेंगे यहाँ पे, और जलेंगे तो कोक जलेंगे, और कोक जलकर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एट बॉटम, एट बॉटम कोक कोक बर्न्स विथ ब्लास्ट ऑफ एयर, ब्लास्ट ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनाएंगे बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, एंड रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक होंगे, और साथ ही साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे और जो हीट निकलेंगे यहाँ से, वो क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। हीट आगे जब बढ़ते जाएंगे उसकी हीट कम होती जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दस निकलने की कोशिश करेंगे, जो अधिक मात्रा में होंगे वो बाहर निकल जाएगा। ओके, चल मैं रिएक्शन को दिखाता हूँ, इधर मिटा दूँ, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे। बॉटम पर पेंदी पर कोक हवा की झोंका की उपस्थिति में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड
बनाती है अभिक्रिया उष्माक्षेपी, है ना, उष्माक्षेपी होती है। चल मैं दिखाता हूँ, ये जो कोक है, कोक एयर के प्रेजेंस में जलेंगे, थोड़ा सा रिएक्शन, कोक है बाबू, हवा की झोंका के प्रेजेंस में जलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएंगे, और चूंकि ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक होते हैं तो इससे हीट निकलेगी, निकलेंगे कितना, लगभग 393.5 किलो जूल के बराबर एनर्जी निकलते हैं। दैट मीन्स प्रोसेस कैसा है, वो एक्जोथर्मिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकला, हीट निकला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेंगे, बाहर निकले ऊपर जाना शुरू करेगा, और ये हीट भी ऊपर जाना शुरू करेंगे, तो हीट जब ऊपर चलेंगे तो सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर होगा बॉटम के एरिया में, उसका धीरे धीरे कम होते चलेंगे, है ना। चल मैं इसी के नीचे लिखता हूँ नोट करके, हीट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड हीट उष्मा एवं कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर ऊपर जाना शुरू करती है, ऊपर जाना शुरू करती है ना। इसके बाद अब जो ऊपर आ गए तो मैं अपर जोन में देखूं जहाँ पर रिडक्शन होंगे, जोन ऑफ कंबसन था। अगला बाबू, अगला जो जोन है, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन, अवकरण क्षेत्र, अवकरण क्षेत्र, है ना, जोन ऑफ रिडक्शन, किसका रिडक्शन होगा, अपर जोन है, इट इज अपर जोन, इट इज अपर जोन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस के ऊपरी भाग है, वेयर रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टेक्स प्लेस एंड प्रोडक्शन ऑफ, कौन बनेगा बाबू, आयरन, आयरन Fe अकर। जरा मैं हिंदी में से लिख दूं, हिंदी वाले बच्चों, आप लोग बच्चों जरूर लिखेंगे हिंदी में, या ब्लास्ट फर्नेस शॉर्ट में लिखा हूं, या ब्लास्ट फर्नेस वातिया भट्टी, या वातिया भट्टी की ऊपरी भाग है जहां आयरन ऑक्साइड, जहां आयरन ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के उपस्थिति में अवकरण होती है तथा आयरन, आयरन बनती है, क्या बनती है बाबू, तथा आयरन बनती है। जरा मैं रिएक्शन को दिखा दूं, चल रिएक्शन को दिखा रहा हूं, थोड़ा सा रिएक्शन को आप गौर से देखेंगे, Fe2O3, है ना, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जल के बाहर ऊपर जा रहे थे उसी समय ये भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, ड्रॉपिंग आयरन ऑक्साइड का जो इधर से गिर रही थी
वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से कंबसन कर ऊपर जा रहा था और ये आयरन का ऑक्साइड नीचे आ रही थी, उसी रास्ते में दोनों में रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन करके बनाएंगे Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो आपके पास रास्ते हैं, है ना। या तो फिर ये हो सकता है कि ये जो आयरन के ऑक्साइड थे Fe2O3, एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं FeO, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेंगे। चल रिएक्शन को बैलेंस करो, मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर कोई इवन नंबर उसको ऑड नंबर बना लो। देखो आयरन इवन नंबर ऑड नंबर में है, सॉरी ऑड नंबर का, अगर कोई उसको इवन नंबर बना लो। आयरन 3 ऑड नंबर है, इसको इवन नंबर बना लो। आयरन अब 6 हो गया आपके पास, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने, कार्बन कितने हो गए बाबू, ठीक है, 4 2 8 2 10 3 3 9 1 10, रिएक्शन बैलेंस है क्या। चलो इसको भी आ जाओ, आयरन 2 है, मैंने 2 कर दिया। ऐसा करने से कार्बन हो गया 3 1 4, बैलेंस नहीं किया 2 2 4। देखो इस जोन में रिडक्शन कारण हमको मेटल मिलनी है, बट रिडक्शन होकर अभी हमको मेटल नहीं मिला है, तो क्या होगा इसका फर्दर वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। ये जो आपके पास ये बना था, हमको तो वो तो चाहिए नहीं, हमको तो मेटल चाहिए Fe3O4। उसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर से क्या रिडक्शन होगा और आपके पास आयरन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस बाहर निकलेगा, बाहर निकल गई। जो ये आपके पास बने हुए थे उसको भी नहीं रहना है, क्योंकि हमको तो मेटल चाहिए, रिडक्शन कारण मेटल मिलती है हमको ना। तो जो मेटल के, देखो सब मेटल के ऑक्साइड, ये भी मेटल के ऑक्साइड थे Fe2O3, ये भी मेटल के ऑक्साइड है Fe3O4, ये भी मेटल के ऑक्साइड, सब तो आयरन के ऑक्साइड है ना। तो आयरन के ऑक्साइड ये टूट कर ऐसा दिया, या तो फिर ये टूट कर ऐसा दे सकता है, बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो मेटल चाहिए। तो मेटल क्या था, फर्दर इसका रिडक्शन होती है, ये जो था उसका रिडक्शन हो गया, इसके प्रेजेंस में ये बन गया, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में कहाँ पे, सब ये इस ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है, आयरन आपके पास निकल गया, है ना, आयरन निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिडक्शन हो रही है, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर बाबू, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आयरन आयरन का रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसको यूज किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलोगे। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि वातिया भट्टी में ब्लास्ट फर्नेस में सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है, तो ऑब्वियसली आप किसको मारोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ऑब्जेक्टिव नोट कर लो, ये दो प्रकार से क्वेश्चन मैंने कहा कि ब्लास्ट फर्नेस में सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन, सॉरी आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से बाहर निकल रही थी, अगर हो सकता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही थी, अगर उसकी आवश्यकता पड़े कार्बन मोनोऑक्साइड बदलने की, तो वो भी बदल सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड किया तो यूज हो रहा है। तो इसी रीजन में, अपर रीजन में, इन थोड़ा सा इससे कम टेम्परेचर में, इन अपर रीजन, अपर पार्ट में ही ये जो कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिडक्शन हो जाती है किसमें बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का हटना है ना। तो मैं इसको बैलेंस कर दूँ, चलो मैं बैलेंस करता हूँ, 2 है, मैंने 2 कर दिया, लगता है बैलेंस है, ठीक है, कार्बन हो गया 2, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। अब ये कार्बन ऑक्साइड अगर मोनोऑक्साइड बन गई तो फिर से उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, और अगर एक्सेस बन गया तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ये खास करके ज़्यादा बन रहा है तो वो बाहर निकल गया, है ना। अब आपके मिडिल रीजन में जहाँ पर क्या होता है, स्लैग बनता है, इन मिडिल रीजन जहाँ पर जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग बनने का क्षेत्र कौन सी रीजन है बाबू, मिडिल रीजन है, इट इज मिडिल पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस,
लगभग टेम्परेचर कितना होती है, 1070 केल्विन के बराबर होती है। एंड टेम्परेचर इज 1070 केल्विन, 1070 केल्विन टेम्परेचर होती है। यहाँ पे क्या होते हैं देखो समझना थोड़ा सा, ये जो आयरन के ऑक्साइड थे सॉरी ये हेमेटाइट ओर है, उस हेमेटाइट ओर में आपके जो सिलिका है ना वो गैंग के रूप में पाई जाती है। आप जो ऊपर से डाल रहे हो इसमें एक सिलिका जो पाई जाती है वो गैंग के रूप में पाई जाती है, औषधियाँ के रूप में पाई जाती है। उसको हटाने के लिए ऊपर से किसको डाला गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को डाला गया फ्लक्स के रूप में, ठीक है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने फ्लक्स के रूप में डाला है वो वहाँ पर डिकम्पोज करेगी, कहाँ पे, मिडिल पार्ट में डिकम्पोज करती है। डिकम्पोज करके वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे, और वो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेंगे, इसमें जो अशुद्धियाँ थी इसमें जो गैंग था सिलिका उसे क्या करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगी, और वो स्लैग के रूप में क्या होगा बाहर निकल जाएगा। कैसे रिएक्शन होगा देखो मैं दिखा रहा हूँ, हियर लाइमस्टोन, हियर लाइमस्टोन बोले तो CaCO3 इज डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड विच एक्ट्स एज बेसिक फ्लक्स, है ना, एंड कंबाइंस विथ किसके साथ बाबू, एंड कंबाइंस विथ सिलिका गैंग टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट स्लैग, और कैल्शियम सिलिकेट स्लैग का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेगी। थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूं क्या, हिंदी में लिखता हूं, यह ब्लास्ट फर्नेस का मध्य भाग है जहां 1070 केल्विन ताप पाई जाती है ना। यहां कौन टूटेगा बाबू, यहां चूना पत्थर CaCO3 अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है जो कैसा फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, क्षारीय फ्लक्स का काम करेगी, जो बेसिक फ्लक्स बोले तो क्षारीय फ्लक्स जो बेसिक फ्लक्स का कार्य करती है, किसको हटाएगी, इसमें जो अशुद्धियाँ थे कौन सा सिलिका था एवं सिलिका गैंग को कैल्शियम सिलिकेट स्लैग के रूप में अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है जो बेसिक फ्लक्स का कार्य करती है एवं सिलिका गैंग को कैल्शियम सिलिकेट के रूप में बदलती है। देखो बाबू थोड़ा सा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था
इसको लाइम स्टोन आप कहते हो, मध्य भाग में गर्म होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल गया, है ना। और यही जो कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें जो सिलिका है वो कैल्शियम ऑक्साइड इससे रिएक्शन करेंगे और बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट। देखो ना, ऐसा ही CaSiO3, दिस इज गैंग, दिस इज फ्लक्स, दिस इज स्लैग। तो मैंने वहाँ भी क्वेश्चन लिखा था शायद सेकंड लेक्चर में, कि जब हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग कौन सा बनता है बाबू? कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बनती है। आयरन के एक्सट्रैक्शन में कौन सा फ्लक्स की तरह किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो कैल्शियम ऑक्साइड दें या तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट दें, दोनों हो सकता है, क्योंकि यही टूट क्रिया देती है ना। जब ये स्लैग बन गया तो कोई इधर से आयरन पिघल के इसमें आ रही थी, क्योंकि आयरन बन रहा था, आयरन पिघल गया है ना, उसमें जो अशुद्धियाँ के रूप में थी वो स्लैग बन गया। स्लैग जो है आयरन से ऊपर रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर बाबू, आयरन यहाँ पर पिघल कर पड़ा हुआ है, मोल्टेन आयरन, पिघला हुआ आयरन है, जिसको पिग आयरन कहते हैं, कच्चा आयरन बोलेंगे हम लोग, ये मोल्टेन आयरन है, उसके ऊपरी सतह पर स्लैग होगा। क्यों? स्लैग तो हल्की होती है ना, हल्के होने के कारण इस स्लैग बाहर हो जाएंगे इधर से, और पिघला हुआ आयरन इधर से क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। और ये पिघला हुआ आयरन है, इसको मोल्टेन आयरन कहते हैं, कच्चा लोहा का नाम देंगे। और इस कच्चे लोहे से हम लोग दो प्रकार के और लोहा बनाएंगे, ढलवा लोहा जिसको हम लोग कास्ट आयरन बोलेंगे, पिटवा लोहा जिसको हम रूट आयरन बोलेंगे। दैट मीन्स एक कच्चा लोहा से हम लोग दो लोहा बनाएंगे, जिसको हम लोग कास्ट आयरन बोलेंगे एंड रूट आयरन बोलेंगे, है ना। तो शायद बच्चों आप इस ब्लास्ट फर्नेस के बारे में अच्छे से सावधानी से स्टडी कर लिए होंगे। ब्लास्ट फर्नेस था, इसमें हम लोग ऊपर से सब्सटेंस को डाले, किस प्रकार से रिएक्शन हुआ, तीन जोन में रिएक्शन हुआ। पहला में कम्बसन हुआ बॉटम पर, अपर जोन में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के कारण हमको मेटल बन गया, नहीं क्या बाहर निकल गए मेटल, देखो निकल गया, यहाँ से बनता है और यहाँ पर जाकर जमा रहेंगे। और मिडिल जोन में क्या हुआ, जो आप इसको डाल रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट को, वो क्या हुआ, आप घटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाए फ्लक्स के रूप में, और वो क्या करती है, जो इसमें अशुद्धियाँ थी वो सिलिका थी, उसको बाहर कर दिया, है ना। अब इसी का जो कुछ और पोर्शन बचा हो बच्चों, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको क्या करूँगा, फिर से इसके लिए मैं आपका एक क्लास और लूँगा, थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करनी है, क्योंकि डिस्कशन छोड़ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती है, उसमें आपसे डिफिनेशन पूछता है, अंतर पूछ देती है कि ये पिग आयरन में, कास्ट आयरन में और रूट आयरन में क्या अंतर है। तो इसके लिए जो और थोड़ा सा पार्ट बच गया है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसके द्वारा, हेमेटाइट ओर से, तो आपको वहाँ पे चले बने तो ब्लास्ट फर्नेस का फिगर जरूर बनाना, बहुत जरूरी है बनाना, और उसके रिएक्शन को आप जरूर रिएक्शन लिखोगे, नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो संभावना अगर ये पूछता है तो आपको 5 मार्क्स में पूछेंगे, ठीक ना। और बाकी जो इसके रेस्ट पार्ट हैं उसके लिए मैं आपसे फिर से नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।